सलमान और कैटरीना कैफ की मोस्ट अवेटेड मूवी टाइगर 3 का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। एक था टाइगर ने 2012 में बॉक्स ऑफिस पे तहलका मचा दिया था। इसके साथ सलमान खान और कैटरीना ने साल 2017 में टाइगर जिंदा है नाम से इस फिल्म के सीक्वल के साथ कमबैक किया था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। बताया दोस्तों कि हाल ही में रिलीज हुई शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर मूवी पठान में सलमान खान ने छोटा सा कैमियो रोल किया था। जब ऐसे सीन में दोनों खान को फैंस देखकर खुशी से झूम उठे थे, ऐसे में सलमान खान ने अपनी मूवी टाइगर 3 में शाहरुख का कैमियो रोल रखा है। अब टाइगर 3 में किंग खान के सीक्वल्स को लेकर अपडेट सामने आई है। बॉलीवुड हंगामा रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान और शाहरुख एक साथ बड़े पर्दे पर दिखाई देंगे। दोनों को पठान के बाद एक बार फिर से स्क्रीन शेयर करते देखा जाएगा। शाहरुख की एक्शन सीन की बात करें, टाइगर 3 में शाहरुख और सलमान का जेल से भागने का एक सीन फिल्माया जाएगा। मूवी के एक सीन में टाइगर को जेल से भागना पड़ता है जिसमें पठान उनकी मदद करते नजर आएंगे। तो वहीं खबरों की माने इस मूवी में एक जबरदस्त एनर्जेटिक पार्टी एथम सॉन्ग भी रखा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस सॉन्ग में सलमान खान के साथ शाहरुख खान भी नजर आ सकते हैं। हालांकि मेकर्स की तरफ से अभी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन जब से फैंस को इसके बारे में जानकारी मिली है तभी से फैंस की एक्साइटमेंट इस फिल्म को लेकर के काफी बढ़ गई है। बताएं दोस्तों कि टाइगर 3 पॉपुलर YRF स्पाई यूनिवर्स की 5वीं फिल्म है और 6 सालों के बाद सलमान और कैटरीना कैफ टाइगर 3 के साथ फिर से कमबैक कर रही हैं। अब देखना यह है कि क्या यह मूवी अपनी पिछली फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ पाएगी। फिलहाल दोस्तों आप कितना एक्साइटेड हैं सलमान खान और कैटरीना कैफ की मोस्ट अवेटेड मूवी टाइगर 3 को देखने के लिए? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर